नव सृजित नगर पंचायत गरुड़ का काम अब दिखने लगा है। विधायक चंदन राम दास और डीएम विनीत कुमार ने समारोह पूर्वक उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक दास ने कहा कि नगर क्षेत्र में गरुड़ के विधायकों की सालों पुरानी मांग पूरी कर सीएम पुष्कर सिंह धामी के नगर क्षेत्र गरुड़ के लोगों का दिल जीता है। दरअसल लंबे समय से क्षेत्रवासियों की गरुड़ को नगर पंचायत बनाने की मांग चली आ रही थी, जो पूरी हो गई है। इस मौके पर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि नगर पंचायत के गठन के बाद क्षेत्र वासियों को इसका लाभ मिलेगा और साफ सफाई का काम भी बेहतर तरीके से होगा। नगर पंचायत का हमारा यहाँ से प्रपोजल पिछले साल गया था और उसकी स्वीकृति हमें मिलकर यहाँ पे नगर पंचायत गठित हो गई थी, जिसमें प्रशासक के रूप में मुझे नियुक्त किया था और जो ईओ का जो दायित्व है वो एसडीएम को दिया गया था। इसमें हमने फिर उसके बाद टेंडर प्रोसेस हमने यहाँ पे शुरुआत करी, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्य था वो सफाई का कार्य था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने टेंडर कॉल किए। उसके बाद में एग्रीमेंट हमारा फाइनल हो चुका है, 10 पर्यावरण जो मित्र है वो भी हमें यहाँ पे उपलब्ध हो गए हैं और आज से जो है सफाई का कार्य का भी शुभारंभ यहाँ पे गरुड़ नगर पंचायत में हुआ है। इसमें हमने जो हमारे ट्रक और रोबोट की जो व्यवस्था है वो पहले, क्योंकि जिला पंचायत यहाँ पे सफाई का कार्य देखती थी, तो उनके माध्यम से हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक ड्राइवर, क्योंकि हमें आवश्यकता थी ट्रक और रोबोट को चलाने के लिए, तो ड्राइवर की भी हमने यहाँ पे तैनाती सुनिश्चित कर ली है। इसके अलावा भी अभी आगे भी हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे प्रपोजल्स हैं, क्योंकि हमें और नगर पंचायत में बेहतर बनाने के लिए हमने यहाँ पे फंड की भी डिमांड करी थी। तो अभी जो प्रभारी सचिव जो है हमारे शहरी विकास के, तो उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि इसमें लगभग 10 लाख रुपया वो अभी रिलीज कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे, क्योंकि एक परमानेंट ईओ की भी यहाँ पे लगातार डिमांड आती है, तो वो उसके लिए भी मैंने वहाँ शासन में इसके लिए वार्ता करी है, तो उनके द्वारा ये भी बताया गया कि बहुत ही जल्द यहाँ पे परमानेंट ईओ की भी तैनाती की जा रही है। साथ ही यहाँ पे, क्योंकि एक कार्यालय भवन का भी मुख्यमंत्री घोषणा हो रखी है और 1 करोड़ रुपया उसमें रिलीज होना है, उसका भी हमने जमीन तय चिन्हित कर ली थी और उसका भी प्रपोजल हमने राजस्व विभाग में भेज रखा है। जैसे ही वहाँ से उसकी स्वीकृति होती है तो कार्यालय भवन का भी यहाँ पे निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साफ सफाई के काम के लिए 10 पर्यावरण मित्रों के तैनाती करने के साथ ही एक कूड़ा वाहक और एक रोबोट को भी लगाया जाएगा, जिसके लिए एक वाहन चालक भी तैयार किया गया है। नगर पंचायत के इन पर्यावरण मित्रों ने बैजनाथ से गरुड़ बाजार के बीच स्वच्छता अभियान चलाया, तो वहीं साफ सफाई का काम होते देख नगर के लोग भी उत्साहित दिखे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।